हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बागोड़ा पुलिस थाना क्षेत्र के नरसाना में रामसीन व अन्य पर्व को लेकर सीएलजी बैठक आयोजित। बागोड़ा थाना क्षेत्र के नरसाना गांव की अस्थायी पुलिस चौकी में शनिवार को उप अधीक्षक सीमा चोपड़ा, वृत्त अधिकारी वृत्त भीमाल व बहादुर खां, सहायक उप निरीक्षक बागोड़ा की मौजूदगी में रामनवमी व अन्य पर्व पर आपसी सौहार्द बनाए रखने को लेकर सीएलजी सदस्यों व गाँव वासियों की बैठक आयोजित की गयी। उपखंड मुख्यालय से 11 किलोमीटर दूर नरसाना अस्थायी पुलिस चौकी में रविवार को होने वाली रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकालने तथा आगामी हनुमान जयंती व मुस्लिम पर्व रमजान महीना होने से हलका क्षेत्र में शांति व्यवस्था व आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल के आदेश अनुसार एवं श्रीमती सीमा चोपड़ा वृत्त अधिकारी वृत्त भीमाल की मौजूदगी में तथा सहायक उप निरीक्षक बहादुर खां पुलिस थाना बागोड़ा के अतिथियों में सीएलजी सदस्यों व ग्रामीणों की बैठक रखी गई, जिसमें 10 अप्रैल कल नरसाना में विश्व हिंदू परिषद संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा रामनवमी के अवसर पर निकाली जा रही शोभा यात्रा को लेकर उप अधीक्षक सीमा चोपड़ा ने धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर राज्य सरकार की गाइडलाइन का हवाला देते हुए कहा कि कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और कार्यक्रम के दौरान कानून की पालना व शांति पूर्वक एवं आपसी सौहार्द बनाए रखने को लेकर चर्चा की गई। वहीं शोभा यात्रा सवेरे 8 बजे से लेकर 10 बजे गांव के रामदेव मंदिर से आम चौहटा, दर्जियों का वास, विद्युत, जीएसएस बस स्टैंड होकर पुनः रामदेव मंदिर में समाप्त होगी, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक कार्यकर्ता व बड़ी संख्याओं में ग्रामवासी मौजूद रहेंगे। जागरूक टीवी की बागौड़ा से रिडमलदान राव की रिपोर्ट।